के यहाँ आने का अवसर मिला है। आप लोग जरा अपनी अपनी एनर्जी बचा के रखिए, आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी। और क्रिएटिव देखिए लिखा है, साइकिल से जाएं, हाथ से कमर का बटन दबाएं। बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है, और देश में मोदी की लहर। आज राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो ये जो दीवानगी है, मुझे आपके इस शो में आने का अवसर मिला करके काफी कुछ कंपाइल किया है। मैं स्वयं इतना दौर धूप में रहता हूँ, इन चीजों पर मेरे को ध्यान बहुत कम होता है। सबसे इंटरेस्टिंग छापते हैं ऐसी शादी का प्रोग्राम छापा। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई। ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू। ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे और 7 बजे पप्पू जाएंगे। अगर आपके पास शादी का कार्ड हो तो लोगों को भी दिखा दीजिए ताकि पता चले क्या निकालते हैं। ये देखिए ये कार्ड है कि आप सब लोग देख सकते हैं, कोशिश करें इसको स्क्रीन पर भी दिखा दें। इतना तो देश का जो युवा है, क्रिएटिव माइंड है, वो इस चुनाव में काफी एक्टिव लगता है और उसके कारण वो हर चीज में नारा भी और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। और जब ये 400 पार की बात आई तो उसके 2 पहलू, एक तो ये बीजेपी ने घड़ा हुआ नारा नहीं, ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। जहां तक मोदी का सवाल है, आप देखते हैं 19 से 24 तक हम करीब 360 जीत करके आए थे एनडीए, और सदन में 2-3 दल ऐसे थे जो लगातार हमारे साथ हैं। इसलिए एनडीए प्लस देखूं तो हम ऑलरेडी 400 थे। 2000 बच्चा 90 मार्क लेकर के आया और उसके सारे विरोधी या उसके कॉम्पिटिटर क्लास में जो भी बच्चे हैं वो 30 लाए 40 लाए, फिर भी आप उसको नहीं कहोगे यार तेरे बाकी वाले 40 लाते हैं तुम 50 लेके बैठ जाओ तो बेकार में कहे 90 की मेहनत करते। आप भी उसको कहेंगे कि नहीं यार 90 आए लेकिन 95 के लिए अगली बार ट्राई करो ना। क्या आपने अपना सिया, हमें तो और आगे जाना चाहिए, इसलिए 400 पार आया। ऐसे ही किसी क्रिएटिव माइंड ने मुझे सुझाव दिया था कि 370 लोगों के जहन में ऐसा ट्वीट बैठ गया है और हिंदुस्तान के आज देश की एकता के लिए जो प्रयास हुआ उसमें धारा 370 को लेकर जो काम हुआ है वो एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के विकास यात्रा में। कहा गया अब तो बीजेपी ने टारगेट करना चाहिए बीजेपी के लिए 370, तो उस 300 के ही किसी साथी ने बताया था 370 प्राप्त करने चाहिए ताकि 370 का महत्व जनमानस में रजिस्टर हो जाए।
पहले जो प्रधानमंत्री जाते थे तो पता नहीं चलता था कि गए, और वापस आते थे तब भी पता नहीं चलता था कि आ गए क्या। इसमें मोदी नहीं है, ये हम भ्रम न फैलाएं और न हम भ्रम में रखें। मोदी शायद निमित्त हो सकता है और बोलने में शायद सरल है, इसलिए सरलता से उपयोग हो जाता होगा, लेकिन ये जो कुछ भी करिश्मा है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों सामर्थ्य का है। और मोदी ने 2013 में जब चुनाव तैयारियां चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया था, तो फिर मुझे लोग उसी रूप में मेरे से हर चीज पूछने लगे, मेरा एनालिसिस करने लगे। तो मेरी एक जो आलोचना होती थी मीडिया में, अगर आप लोग देखेंगे तो, अरे यार ये जो स्टेट में से आ रहा है इसको न उसकी समझ है, ये दुनिया को कैसे अपनी बात को करेगा, ये दुनिया में कैसे अपनी बात ले जाएगा, दुनिया के साथ क्या करेगा। फिर जब टीवी मीडिया का दौर शुरू हुआ, चर्चाएं होने लगी, मेरे इंटरव्यू होने लगे, तो घूम फिर आता था, आपको तो कोई अनुभव नहीं, आप करेंगे क्या विदेश नीति। अब चुनाव हिंदुस्तान का था, लेकिन सब ताकि मोदी उसी में फंस जाएगा, यहाँ तो अच्छी तरह खेल लेगा। तो मैंने तब एक वाक्य कहा था विदेश नीति के संबंध में, क्या मैं तो देश की एक कंट्री नीति होती है, लेकिन जहाँ तक मोदी का सवाल है, अब देश न आँख झुका के बात करेगा, न देश आँख उठा करके बात करेगा, लेकिन देश आँख मिलाकर बात करेगा। लोग ये भी पूछ, मुझे कोई इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि मैं तो कभी चाय बेचता था, ये देश दुनिया के इतने बड़े आदमी है, ये चाय वाला क्या करेगा, कि चाय परोसेगा और क्या करेगा। मुझे जब भी मैं दुनिया के बड़े बड़े महारथियों को मिला, जरा वो हाइट बॉडी में भी ज़्यादा होते हैं, कलर स्किन भी बड़ी उनकी प्रभाव पैदा करने वाली होती है, लेकिन जब मैं मिलता हूँ तो मैं मोदी नहीं हूँ। जब मैं हाथ मिलाता हूँ तब मुझे 40 करोड़ देशवासी मेरे साथ, और जब मैं 140 के मिजाज में ही चलता हूँ तब मुझे दुनिया बहुत छोटी लगती है। मुझे लगता है मेरे देश के पास कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, मैं इस विश्वास से भरा हुआ होता हूँ, और उसका प्रभाव तो होता ही होता है। सामने वालों को लगता है यार ये कल तो ऐसी कोई बात नहीं करता था, पहले तो कोई ऐसे खड़ा भी नहीं रहता था, लेकिन वो खड़ा रहता है, तो फिर भी उनका भी सोचना बदल जाता है। हमें भी अजीब लगता है कि प्रेसिडेंट जो आ गए मोदी जी। ये बात सही है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे संबंध बहुत नज़दीकी हैं, खुलेपन की, जैसे मेरी ऑफिशियल बातचीत के अलावा इनफॉर्मल बातचीत का दौरा बहुत होता है, मेरे टेलीफोन कॉल्स भी बहुत होते हैं, और इस वाली बात नहीं करते, बादल होंगे तो बारिश होगा वगैरह, ऐसी बातें मैं नहीं करता। बारिश होगा तो मैं कहूँगा हाँ होगा, नहीं होगा तो मैं कहूँगा नहीं होगा, यानी ब्लैक एंड वाइट में मेरी बात करते हैं। तो दुनिया गोलमोल चीज़ों के बजाय उनको पता है, जैसे मैं रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है मेरे देश के लोगों को ना पड़े, तो मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं लोगों को, मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ, कोई मेरी तारीफ करने के लिए मैं थोड़ा पैदा हुआ। लोगों ने मुझे कहा था भैया अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। और
हमने कारोबार चालू रखा, आज हमें हमारे देश को हम बचा पाए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम राष्ट्रपति पुतिन के साथ चेयर पर बैठ करके टीवी के सामने मैं कह सकता हूँ कि ये युद्ध का समय नहीं है, मेरे विषय में दुविधा में नहीं है। अब उसको लगता है ये हिंदुस्तान का मिजाज है जो मोदी बोल रहा है। लेकिन मोदी जी सोच रही थी वो ये थी इक्वल डिस्टेंस पर, यानी हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं ना, ना ये मानदंड मैंने आकर के इसको बदला। हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नज़दीकी करेंगे, मैंने निकाल दिया। इससे क्या हुआ कि किसी को लगता है अच्छा वो मिस्टर ए आगे गया तो बी को लगता है यार मैं रह गया तो वो भी आ गया था, फिर इधर से सी को लगा कि मोदी के पास वो तो पहुंच गया यार मैं रह गया तो इधर वाला डी आता है। तो सब लोगों के अब लगता है कि हिंदुस्तान के पास जाना चाहिए और ग्लोबलाइजेशन है हिंदुस्तान के निकट आने की। हमने विदेश विभाग ने पहले काम ऐसा किया कि दूरी बनाए रख, क्यों तो भाई हमारी चलेगी। आज मेरी स्थिति ये है, अब देखिए एक घटना मैं बताता हूँ कहीं जा रहा तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना जो इस दुनिया में बड़े हुए हैं मुझे एडवाइस, भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यही है, जब आप हनुमान जी के मंदिर गए तो शाम को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी ये ऐसी साइकी बनी हुई है जी। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूँगा, इसराइल से अकेला जाऊँगा, इसराइल से वापस मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने ये कहा कि मैं पैलेस्टाइन भी जाऊँगा तो सीधा पैलेस्टाइन जाऊँगा और वापस जाऊँगा। मैं ये क्लब करके हमारे देश के सेकुलरिज्म की जो विकृतियाँ है मैं उसका शिकार नहीं हूँ। देश की आज़ादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इसराइल गया, शांत से कार्यक्रम किए, तब वापस आए। दो तीन महीने के बाद मेरा पैलेस्टाइन का कार्यक्रम बना तो मैं सीधा पैलेस्टाइन गया। तो उस वहाँ पर जाते समय लॉजिस्टिक प्रॉब्लम था, मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी, मैं जाने वाला था। तो जॉर्डन के किंग जो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस थे, जॉर्डन के किंग मोहम्मद पैगंबर साहब के डायरेक्ट वारिस है, उनको पता चला कि मैं ऐसे ही वहाँ से पास हो रहा हूँ, उनका जीने मैं अपना कार्यक्रम बदल करके जॉर्डन वापस आऊँगा, आप मेरे आइए हम बैठेंगे और आपको हेलीकॉप्टर आपके देश से लाने की जरूरत है, मेरे हेलीकॉप्टर में जाएंगे और पूरी यात्रा में मेरी व्यवस्था रहेगी। जॉर्डन के किंग एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कुछ दिन पहले इसराइल जाके आया हुआ है। इतना ही नहीं, मैं जॉर्डन के टीम का हेलीकॉप्टर में जब जा रहा था पैलेस्टाइन तो इसराइल के 6 विमान उनके, यानी जॉर्डन सम्मान दे रहा है मुझे, इसराइल सम्मान का, और मैं जा रहा था पैलेस्टाइन को इसराइल को मालूम था फिर भी वो मेरा सम्मान कर रहे थे। तो जब मैं मेरा कहता हूँ मैंने मोदी की बात नहीं कहता हूँ, मेरे देश की बात कर रहा हूँ, गया तो उतना ही सम्मान दिया गया मुझे पैलेस्टाइन में जितना कि इसराइल में। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए अभी कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया ईरान के साथ, और मैं बताता हूँ सेंट्रल एशिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। अब तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की, अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए, इजराइल और अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध होते होते बच गया। ऐसी संकट की घड़ी में भी ये दुर्भाग्य है कि वहाँ के राष्ट्रपति जो वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं उनको हमें खोना पड़ा, और मिस्टर रईस जो जिनका एक्सीडेंट में मृत्यु हुई उनकी पत्नी भी हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ उसका बहुत अच्छा निकट संबंध, यानी जीवन संबंध, तो मेरे एक प्रकार से अच्छे घरेलू इन लोगों से संबंध है, एक अच्छे साथी को मैंने प्रयास का दुख दिया। उनके मृत्यु की उसी समय पहले हमने चाबहार का एग्रीमेंट किया। मैं मानता हूँ कि सेंट्रल एशिया में लेकिन दुनिया ने किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और दुनिया में, अच्छा मेरी एक बात साफ हो, मेरे देखिए
किसी तीसरे के संदर्भ में मैं नहीं करता। मेरी अपनी देश की आवश्यकता है, मेरे देश की प्रायोरिटी है, उसी के हिसाब से चलूँगा। वैसा ही प्रॉब्लम है कोरिया और जापान का। ज़्यादातर नेता जाएंगे तो कोरिया जाएंगे, जापान जाएंगे, जापान जाएंगे कोरिया जाएंगे, क्लब कर उनका कहना ये हमारा इंसल्ट है। अब अकेले क्यों हमारे साथ है? मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं कोरिया अकेला गया, बाकी 10 जगह पर जापान नहीं गया। जब जापान गया तो कोरिया नहीं गया। उनको मैसेज जाता है हाँ यार ये इंसान को समझ है। तो मैं दुनिया जो खींची रहती है और बड़ी बारीकी से इन चीज़ों का मैं अध्ययन करता हूँ। मैं GCPT एडवाइस पर चलता नहीं हूँ जी, और उसका परिणाम है कि आज दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। पाकिस्तान के छात्र यूक्रेन से भारत का तिरंगा लेकर उसकी आड़ में बोली थी। अब देखिए हमारे देश मतलब हरा है। इस देश के प्रयत्नों से अगर कोई चीज़ अच्छी होती है, हो सकता है जिसको सहन नहीं होता है चुप रहे, ये तो हो सकता है, तारीफ ना करें ये भी मैं समझता हूँ। लेकिन उस विरुद्ध में मैं तो देखता हूँ, इन दिनों भी पत्रकार मुझे पूछते हैं क्या सचमुच में आपने टेलीफोन किया था यूक्रेन को, सचमुच में आपने पुतिन को फोन किया था? मैंने कहा भैया कॉल डिटेल निकलवा दो, मैं तो क्या थक गया अमेरिके जवाब देने के लिए, क्या करूँगा। नहीं ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, दो राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाला। इसलिए मुसीबत यही है कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान के तिरंगे की यह ताकत है। अपना अनुभव मैं बता दूं, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूं, स्टडी करता हूं, एनालिसिस करता हूं। मैं पहली बार कब अनुभव हुआ, जब नेपाल में भूकंप आया तो हम जितनी मदद हो सकती थी हमारी, ये एक अनुभव था गुजरात के भूकंप के बाद काम का, मुझे अच्छा अनुभव था। तो मैं खुद चीज़ों को लीड करता था, मोबिलाइज करता था। लेकिन मैंने वहाँ देखा दुनिया के करीब 40 देश के लोग होंगे जिनको हमने कोई ना कोई मदद करके नेपाल से बाहर निकाला। तो उस दिन मैं समझ गया कि अब तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प इसका ठेका पश्चिम का है। मैंने तय किया ये ठेका मेरा रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कोविड में हम लोग चाइना से तो बहुत सारे अन्य देशों के लोगों को ले गया। यमन में मुसीबत आई, हम अन्य देशों के लोगों को ले आए और उनको बाद में उनके देश में भेजा। अभी सूडान में हुआ हमारे देश के साथ, वहाँ भी अन्य देश के लोग फंसे थे उनको भी ले आए। तो आज दुनिया में जो कभी हमारा नाम नहीं था कि करना तो ये था कि ये पश्चिम की दुनिया का ही एक प्रकार का उस पर ओनरशिप थी कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम होना होता यही लोग करते, ये लोग तो बिल्कुल 370 जब वापस लिया तो आपको इस बात की किनारा अब थोड़ा लंबा हो जाए जैसे आपने पूछा है। तो लेकिन हमारे देश में दुनिया ने जितने देशों को लोग, ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, अरब देश तो शांत रहे, दुनिया के सभी इस्लामिक देश शांत रहे, मेरे देश की कांग्रेस चू चू करती रही। मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ये एक ऐसी मानसिक विकृतियों से भरी पड़ी हुई इनकी सोच है। 370 के बाद में दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी 370 के बाद की घटना, उनको जिंदा वापस लेकर आ गया। उस समय मोदी जी में ऐसी ब्रांड है जिसमें जिसके कारण और इसलिए लोग मौका ढूंढते हैं यार गाली किसी और को देने से क्या फायदा है, मोदी को देंगे तो। और इसलिए जन्म जी उनको पता होना चाहिए यार कुछ तो होगा, ये कुछ तो चलता होगा, बोलता नहीं है कुछ करेगा, ये इनको समझ होनी चाहिए। हो गए अब मेरा और मेरे कोई सीक्रेट कुछ नहीं है, ओपन है, कोई ढंग से बराबर स्टडी करे, मीडिया के लोग भी नहीं करते माफ करना, ढंग से स्टडी करे तो कह देखिए 3 दिन ही उठाए 7 दिन
आप तय कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी नहीं, क्योंकि आपने एक बनी बनाई परसेप्शन में जीना चाहते हो, उसी को फैलाओ और उसके अनुकूल कुछ एनेक्डोट मिल जाए तो ढूंढते रहते हो। इसके कारण सारे इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकते। ऑपोजिशन क्या कहता है? ऑपोजिशन ये आया कि कहा ले जा रहा हूं मैं। के बाद किसी ने उनको कहा कि क्या आप पूरा कैंपेन ही लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा? अब एक नई सलाह ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया था। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तोबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि कसाब को, अरे कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने हमारे देशवासियों को मारा था। पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में मेरे एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थी, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि ये ज्यादा, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ढिकना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता, यहाँ वाले क्यों रोते ना समझिए। यहाँ वालों ने एक और, कोई ट्रेन भी नहीं चली, अब जाकर उनको किसी ने पूछना चाहिए क्योंकि आपका, आप कोई दवाई ववाई लेते हैं कि नहीं लेते, कोई मेडिकल चेकअप कराए कि नहीं कराए, कोई तो चलिए आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन उनकी हेल्थ का तो पूछो, उनकी बीमारी क्या है ये तो पूछो, क्योंकि ऐसी बातें ऐसे नहीं निकलती भाई, कोई स्वस्थ मनुष्य थोड़ा करता है। तो मैं, आप जैसे लोग और आप लोगों की पहुंच हर जगह पे होती है, फिर पूछो तो भाई, अब देखिए 400 पार। अब क्योंकि उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ। इसमें बात आई सेक्युलरिज्म का कि शिव शक्ति से इतराज क्या है, ये सृष्टि के नियंता है। और मेरा गुना ये कि मैंने कहा कि चंद्रमा पर, जहां पर मेरा चंद्रयान लैंड किया था, उस पॉइंट का नाम मैं किसी भी बीजेपी के नेता का रख सकता, क्योंकि उन्होंने वो परंपरा बनाई थी, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने शिव शक्ति रखा। तो वो इनके दिमाग पर ऐसा उसका असर था, बोल तो पाए नहीं, लेकिन बाद में कोई एक साल के बाद उन्होंने बयान दिया कि हिंदू में जो शक्ति है मैं उस शक्ति का नष्ट कर दूंगा। अब वो मुझे, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मैंने शिव और शक्ति दोनों बोला है, और शिव में जहर पीने की ताकत भी तो बहुत होती है। अब सेकुलरिज्म की उनकी जो विकृत मानसिकता है उसका पर जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश की। उनको लगता था कि इस मुद्दे को इस प्रकार से रखेंगे तो उनकी वोट बैंक सुरक्षित रहेगी, लेकिन राम मंदिर बन जाने के बाद
वोट बैंक सुरक्षित रहने का मुद्दा ही नहीं, वो मुद्दा उस प्रकार से उनके काम था। उसके बाद जब विरोध किया तो मुझे लगता है कि 70 साल तक उन्होंने जो किया वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कि इतना ही नहीं है, वो मन से वचन से कर्म से राम विरोधी है। हमारे घोर रोष है और इसका परिणाम है वो अभी भी। अब देखिए कोई बच्चा रास्ते में जय श्री राम बोले तो मैं स्वयं बोलूंगा जय श्री राम, कोई मुझे 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 कोई ग्रीट करे नमस्ते तो मैं करूंगा नमस्ते, कोई मुझे कहे हेलो तो मैं कहूंगा हेलो, कोई कहेगा जय श्री राम तो मैं कहूंगा जय श्री राम। आपने देखा होगा जब वो जाते हैं कोई जय श्री राम बोलता है तो उनके चेहरे की सारी रेशाएं बदल जाती है, मुंह पे ताला लग जाता है, पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। अब अरे आप बोल दो यार जय श्री राम, क्या जाता है आपका राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है ना, मैं उनको सच में बधाई दूँ क्योंकि राम मंदिर को न्यायालय के निर्णय के बाद हुआ है। सारी दुनिया को मालूम है कि न्यायालय में भी रुकावट डालने का काम कौन करता था। 19 में तो यहाँ तक कह दिया था कि जजमेंट अभी मत लाओ वरना बीजेपी को फायदा होगा, न्यायालय में कहा गया, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। अब न्यायालय इसके बावजूद ईरान के लोग फंस के लोग उनके घर गए और जाकर के सम्मानपूर्वक निमंत्रण दिया, उन्हें जो हो गया होगा भूल जाओ, आइए आप भी आइए। जैसे वो उनके यहाँ गए वैसे ही जो दो दो तीन तीन पीढ़ी से लड़ रहे थे अंसारी थे, इकबाल अंसारी जो भी अदालत में राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी निमंत्रण दिया कि चलिए अब तो न्याय का निर्णय हो चुका है, न्यायालय का आप आइए, आप देखिए साहब निर्णय देश करें। इकबाल अंसारी जीवन भर उनका परिवार बाबरी मस्जिद के लिए अदालतों में लड़ता रहा, राम जन्मभूमि के विरुद्ध में लड़ता रहा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है वो सर के बैठे और इन लोगों ने बहिष्कार किया। तब जाकर के चिंता होती है कि क्या सोच है। इतना ही नहीं, मुझे बाद में अभी पता चला ये श्रीमान इकबाल अंसारी वो कोई अमीर व्यक्ति नहीं, सामान्य परिवार के व्यक्ति, उन्होंने भगवान राम मंदिर का एक मॉड्यूल था लकड़ी का वो कैसे खरीद के लाए, और उनका जो पीएसओ था वो हिंदू है उसको उन्होंने गिफ्ट, इकबाल अंसारी ने गिफ्ट किया उनको। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनको लगता था कि ये मेरा हक है कि मैं लड़ता हूँ, लेकिन एक बार निर्णय किया कि उन्होंने सिर आंखें पर चढ़ाया तो इकबाल अंसारी को बस सेक्युलरिज्म सही है कि इनका सेक्युलरिज्म सही है, यह है देश। इसीलिए आजकल आप अब उनके पास तो गालियां ही नहीं बची हैं, तो घूम फिर करके वो हिंदू मुसलमान बोले बिना उनके वोट बैंक को वो जगा नहीं सकती क्योंकि काम तो किया नहीं। 60 साल तक किसी मुसलमान बच्चे को पढ़ाया होता, उसको कहीं अच्छा रहने के लिए घर दिया होता, उसको टॉयलेट दिया होता, उसके घर में बिजली दी होती, बच्चों के जो वो तो किया नहीं, तुमको डराओ काट देंगे आएंगे तो काट देंगे, अब फिर उस पर योगी जोड़ दिया। डराना डराना डराना, सब मुसलमान समाज में भी अब इन चीज़ों की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। डराना डराना, सब मुसलमान समाज में भी अब इन चीज़ों की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। मैं मुल्ला मौलवियों की बात नहीं करता, इनका वेस्टर्न इंटरेस्ट तो हिंदुओं में भी ऐसे लोग तो उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जनरल मेरा तो कई काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होता है और मेरा अनुभव है ये जो भड़काने वाली बातें हैं उससे तो वो प्रभावित नहीं है, वो समझते हैं कि इनका वोट का जमाना इसलिए कर रहे हैं। मोदी जी आज तक किसी महीने से कहता हूँ आप लीजिए, मैं देश को गारंटी दूँ, एक आप भारत के संविधान को नहीं बदलेंगे, दूसरा संविधान बदल करके धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, तीसरा आप एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन करके आप धर्म के आधार पर वोट जिहाद वालों को
आरक्षण नहीं देंगे, लिख करके दो, नहीं देते हैं, देश को दो ना भाई, बयान तक देने की हिम्मत नहीं है। अरे मैं मैनिफेस्टो देखो, मैं पूछता हूँ क्या किसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है वो करप्शन नहीं करेंगे या करेंगे? कांग्रेस के पिछले 50-60 साल के मैनिफेस्टो देखो, एक भी मैनिफेस्टो में उन्होंने करप्शन का कार्यक्रम लिखा है क्या? जरा बताइए ना, करप्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मैं पूछूंगा करप्शन क्यों करते हैं, वो कहेंगे मेरा मैनिफेस्टो देखो कहीं लिखा है क्या। अरे ऐसे थोड़ा होता है जी। और आप देख लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान देख लीजिए, ये शहजादे का बयान देख लीजिए, उनके मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि घर मतलब कहीं ब्रिज बन रहा है तो आज ठेका कैसे मिलता है, कि भाई उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कैपेबिलिटी कितनी है, एक्सपीरियंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आर्थिक क्षमता कितनी है, टेक्निक क्षमता कितनी है, सारी चीज़ें देख करके टेंडर से कोई व्यक्ति प्राप्त करता है। अब ये क्या कहते हैं, अब इसमें आरक्षण। अब मुझे बताइए साहब, वो ब्रिज कि आपको अपने चुनाव जीतना है और कुछ काम है क्या? इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ तक मैनिफेस्टो में कहा है कि खेल में भी अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाएंगे। अरे भाई खिलाड़ी सुबह 4 बजे उठ करके पसीना बहाता है तब जाकर के खिलाड़ी बनता है, जिंदगी के 15-20 साल वो खपा देता है। और आप कहोगे ठीक है भाई, तुम उस माँ की गोद से पैदा हुए, तुम नहीं हो सकते, उस माँ की गोद से पैदा होकर वो आ जाएगा, ये कैसे हो सकता? और ये हिम्मत इनकी ऐसी चीजें मैनिफेस्टो में लिखने की? क्या देश ऐसे चलाएंगे क्या? हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मोदी जी, मुझे आगे पीछे को रोने वाला नहीं, के लिए जीता हूँ मैं, देश के लिए जूझता हूँ और मेरी प्रत्येक पल देश के लिए है और वो बेकार नहीं जानी चाहिए। पल देश को दे रहा हूँ लेकिन मैं वेस्टेज नहीं होने दूंगा मेरी पल, एक भी पल को। और इसलिए जो गलत हो रहा है आप मुझे बताइए। कल किसी ने मुझे भेजा है 9,000 से ज़्यादा ऐसी जगह है इंस्टीट्यूशन जिसमें इन्होंने ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, माइनॉरिटी का नाम दे दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। एक PSU को अगर आप प्राइवेटाइज करो तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हाउस में चिल्लाते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हो कि आप SC ST कोटा हट जाएगा तो दलितों को नौकरी का क्या होगा। आपने 9,000 इंस्टीट्यूशंस में से SC ST OBC कोटा खत्म कर दिया है। अगर ये सवाल मैं पूछता हूँ और ये फंड मार्केट गैंग है वो मोदी ने बाएं पैर पहले रखा क्यों, दायना क्यों नहीं रखा, इसके लिए एक एक सप्ताह तक देश का समय बर्बाद करते हैं। उन्हें है कि SC ST OBC के आरक्षण की रक्षा के लिए उन्होंने भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्यों चुप बैठे? और तब जाकर के मैं खुल करके कहता हूँ कि एक इकोसिस्टम जो लोगों को संवारने का ही काम करे और दूसरों के अच्छाइयों को बुरे में कन्वर्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है और देश को उससे मैं सचेत करना चाहता हूँ। अब और अब जब सब जगह पे फेल हो गए तो उन्होंने जुडिशरी का रास्ता पकड़ा, अदालतों में जा करके बैठ जाना, वो हल्ला करना और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना, ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। आप में योग्यता है, क्षमता है, सही लोकतंत्र है, चुनाव लड़ो, पार्लियामेंट में आओ, अपनी बात रखो, सरकार गलत करती है तो उसको रोको, तरीके हैं करने नहीं, हवा बिगाड़नी है। अब ममता जी ने क्या कहते हैं कि मोदी संविधान बदल गए, अब इंदिरा जी ने कहा हाईकोर्ट का फैसला मैं नहीं मानूंगी, इमरजेंसी लाई, ये इसी चट्टे बट्टे के लोग हैं, वे लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, उनके लिए चुनाव लोकतंत्र की श्रद्धा नहीं है, चुनाव सत्ता प्राप्त करने का जरिया है, उनकी स्वतंत्र में, मतदाता में, संविधान में
भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। और इसीलिए मैं जो परिवारवाद के खिलाफ बोलता हूँ ना, क्यों कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर कहे कि मैं मेरा बेटा आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, ये कौन सा लोकतंत्र है? जनता जनार्दन तय करती है जी, वो पापा की कॉन्स्टिट्यूंसी है।